हेलो क्लास टू होप ऑल ऑफ यू आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सो स्टार्ट स्टूडेंट्स व्हेन वी नो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जब हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को जान जाते हैं तो इट इजी टू डिवाइड हम बहुत ही इजीली डिवाइड कर सकते हैं लाइक like इस देखो यहाँ पर है फर्स्ट एग्जाम्पल वी नो दैट हम जानते हैं फोर फाइव सा कितने होते हैं ट्वेंटी ओके फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी स्टूडेंट सो so, अगर हम इसे कर दे ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर ठीक है अगर हम ट्वेंटी को डिवाइड कर दे फोर से तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा फाइव फोर के टेबल में कहा ट्वेंटी आता है अगर आप करके देखो फोर फाइव ट्वेंटी तो आंसर क्या है फाइव एंड स्टूडेंट अगर हम करते हैं ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव अब हम दूसरा ले लेते हैं नंबर तो तब कितना होगा फाइव के टेबल में ट्वेंटी कहाँ आता है फाइव फोर जल्सो ट्वेंटी तो यहाँ क्या आ गया फोर तो स्टूडेंट देखो ये नंबर आपने कुछ चुछ... नोटिस किया यही नंबर्स आपस में फैक्ट्स बना रहे हैं ठीक है देखो इसमें कोई भी फोर्थ नंबर नहीं आ रहा है हमने इसे ट्वेंटी को डिवाइड किया फोर से भी और ट्वेंटी को ही डिवाइड किया हमने फाइव से भी ठीक है और हमारे पास आंसर ये यही आए फाइव और फोर ओके लाइक इस देखो सेकंड वन एग्जांपल वी नो दैट थ्री नाइनजा कितने होते हैं ट्वेंटी सेवन ओके तो ट्वेंटी सेवन को हम डिवाइड करते हैं पहले थ्री से तो थ्री के टेबल में ट्वेंटी सेवन कहा आता है थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन तो यहाँ आंसर क्या आ गया नाइन थर्ड नंबर ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय अगर हम नाइन से करके देखते हैं तो नाइन के टेबल में ट्वेंटी सेवन कहा आता है नाइन थ्री सा तो यहाँ पर देखो आंसर क्या आया थ्री जो आपका थर्ड नंबर था ठीक है तो देखो यही थ्री नंबर आपस में रिलेट कर रहे हैं ओके तो स्टूडेंट आपने इसी के भी पे अब करनी है एक्टिविटी सिक्स आप कैसे करोगे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनाओगे और फिर उसे डिवीजन फैक्ट में भी कन्वर्ट करोगे ठीक है, लाइक इस देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स मल्टीप्लीकेशन फैक्ट यहाँ पर है थ्री फोर थ्री फोरजा कितने होते हैं ट्वेल्व ओके तो स्टूडेंट अगर ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री हो गया तो थ्री के टेबल में ट्वेल्व कहाँ आता है जो आपके पास थर्ड नंबर है वो क्या है फोर आप डायरेक्ट लिख सकते हो फोर ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखो सिक्स के टेबल में कहा थर्टी सिक्स आता है तो करो सिक्स वन सा सिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व सिक्स थ्री सा एटीन सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स कितने हो गए सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स तो स्टूडेंट अगर हम थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स कर दें ठीक है तो सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स कहाँ आता है सिक्स सा तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा सिक्स स्टूडेंट जो आप यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करोगे वही आपका यहाँ पर भी आंसर आएगा ठीक है लाइक इसमें नेक्स्ट वन भी करके बता देती हूँ Nine के टेबल में एटीन कहा आता है नाइन वन सा नाइन नाइन टू जटीन तो यहां पर आंसर किया गया टू तो स्टूडेंट एटीन डिवाइडेड बाय नाइन हो जाएगा अगर तो नाइन के टेबल में एटीन कहाँ आता है जो आपका यहां पर आंसर लिखा है टू ओके okay? तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से ये बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं और इस पूरी एक्टिविटी सिक्स को कंप्लीट करना है ओके थैंक यू